नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी कक्षाओं के परीक्षा पैटर्न को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही व सटीक न्यूज़। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें सभी कक्षाओं के परीक्षा पैटर्न को लेकर के बताया गया है, तो मैं आपको है वो जल्दी जल्दी दोस्तों सभी कक्षाओं के बारे में बताने वाला हूँ जिनका सेम होगा। मैं आपको बता दूँ कि वो सेम ही है। ये आप देख सकते हैं बीए अंतिम वर्ष परीक्षा 2021 में शारीरिक शिक्षा विषय का बताया गया है। अब केवल आपको अ एवं ब भाग के प्रश्न ही हल करने हैं, स भाग को वो निरस्त कर दिया गया है। आपको दोस्तों अ भागों में किन्हीं भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के 15 अंक का भाग अ होगा। उसके बाद में भाग ब की यदि हम बात करें तो आपको कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इकाई की बाध्यता खत्म है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आप 250 शब्दों में दे सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के 45 अंकों का। उसके बाद में बीए अंतिम वर्ष परीक्षा जो कि संगीत विषय के लिए है वो आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको दोस्तों अ और ब भाग ही करना है, सहभाग नहीं करना है। जिसमें से जो अ भाग है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, उनमें भी आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। केवल यहाँ पर आपके दोस्तों पेपर है वो 40 नंबर का है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और ब भाग में आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 10 नंबर का होगा। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, बीए अंतिम वर्ष परीक्षा 2021 में भूगोल विषय की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, जीवन विज्ञान एवं जैन विद्या की बात करें, सैन्य विज्ञान की बात करें तो दोस्तों ये 75 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें भी आपके ए एवं ब भाग के प्रश्न ही हल करने हैं, स भाग को निरस्त माना जाएगा। इनमें से ए भाग में दोस्तों कोई भी आप 5 क्वेश्चनों के उत्तर दे सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन है दोस्तों वो 3 नंबर का होगा। उनके बाद में भाग ब में यदि दोस्तों हम बात करें तो आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इकाई की बाध्यता खत्म कर दी गई है, 250 शब्दों का आपको है वो करना होगा जो प्रश्न है, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 20 नंबर का आने वाला है। उसके बाद में आप देख सकते हैं बीए अंतिम वर्ष परीक्षा 2021, बीए ऑनर्स परीक्षा 2021, विषय इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृत अर्थशास्त्र, एमए अंतिम वर्ष परीक्षा 2021, वार्षिक पद्धति। सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है वो मानकर चलिए आपका यही पेपर हो, यही है जो भाग है वो है, क्योंकि इसमें लगभग बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बात बताई गई है। ये आप देख सकते हैं, इसमें से केवल आपको ए एवं ब भाग के प्रश्न हल करने हैं, स भाग को निरस्त माना जाएगा। पहले ए भाग में आपको कोई भी 5 प्रश्नों के हैं वो उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न है वो 5 नंबर का होगा, और इस प्रकार कुल मिलाकर के आपके 25 अंकों का है वो भाग ए होगा। उसके बाद में भाग ब में दोस्तों आपको कोई भी 3 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, इकाई की बाध्यता खत्म कर दी गई है, 250 शब्दों का आपको लगभग उत्तर देना है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके 25 नंबरों का है वो होने वाला है। उसके बाद में आगे आप देख सकते हैं एमए सेमेस्टर परीक्षाओं के बारे में बताया गया है। इसमें दोस्तों आपको भाग ए में है वो किन्हीं भी 5 प्रश्नों के अंति संक्षिप्त उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंकों का होने वाला है। आगे देख सकते हैं भाग ब में आपको कोई भी 2 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 25 अंक का होने वाला है। हिंदी आदि विषयों में भाग ब में यदि व्याख्या पूछी जा रही है तो व्याख्या 12 अंकों की होगी एवं जो प्रश्न है वो आपका 13 अंकों का होने वाला है। आगे आप देख सकते हैं LLB TDS TDC फर्स्ट ईयर के बारे में बताया गया है। पेपर 1 to 8 पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन पेपर विल स्टैंड डिलीटेड, यानी जो आपका पार्ट ए है उसको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद में पार्ट बी में आप देख सकते हैं स्टूडेंट विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, यानी आपको 10 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स रेट इज 100 ऑफ द पेपर विल बी इक्वली डिवाइडेड इन दिस 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल कैरी 33.33 मार्क्स, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 33.33 नंबर का होगा। उसके बाद में पेपर 9 की यदि हम बात करें तो पार्ट ए का जो क्वेश्चन पेपर है उसको दोस्तों है वो डिलीट कर दिया गया है। पार्ट बी में है वो आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं 4 में से, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका प्रत्येक प्रश्न है वो 40 नंबर का होने वाला है। उसके बाद में LLB TDC सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए यदि मैं बताऊँ तो वही पेपर 1 से लेकर के 8 में है वो आपका पार्ट ए डिलीट रहेगा। पार्ट बी में आपको कोई भी दोस्तों 3 क्वेश्चन 10 में से है वो करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 33.33 नंबरों का होगा। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं पेपर 9 में सेम स्कीम रहेगी,
पार्ट ए में है वो आपको डिलीट कर दिया गया है, पार्ट बी में कोई भी आपको है वो दोस्तों दो क्वेश्चन करने हैं चार में से, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 40 नंबर का होने वाला है। उसके बाद में आप देख सकते हैं LLB TDC फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए पेपर 1 से लेकर के 7 तक में है वो आपको पार्ट ए डिलीट कर दिया गया है, पार्ट बी में कोई भी आपको 10 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 33.33 नंबर का होगा। पार्ट 8 की यदि हम पेपर 8 की बात करें तो जो पार्ट ए है वो डिलीट कर दिया गया है, पार्ट बी में आपको कोई भी चार में से दो क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो 20 नंबर का होगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं BA BBA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पार्ट ए है वो डिलीट कर दिया गया है, पार्ट बी में दोस्तों है वो आपको मैं आपको बता दूं कोई भी 3 क्वेश्चन है वो 10 में से करने हैं, और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 26.66 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद में BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर जो ओल्ड है उसमें दोस्तों पार्ट ए है वो आपका डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद में पार्ट बी है उसमें आपको कोई भी है वो 3 क्वेश्चन करने हैं 10 में से, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 16.66 मार्क्स का होने वाला है। BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम थर्ड टू टेंथ सेमेस्टर के लिए आप देख सकते हैं पार्ट ए डिलीट कर दिया गया है, पार्ट बी में आपको कोई भी 3 क्वेश्चन 10 में से करने होंगे, और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 16.66 नंबर का होने वाला है। उसके बाद में आप देख सकते हैं LLM फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के बारे में दोस्तों बताया गया है। इसी प्रकार LLM फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर CBCS स्कीम न्यू ओल्ड का दोस्तों आपके है वो सेम ही रहने वाला है। इसी प्रकार जो LLM थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर है उनका भी दोस्तों सेम ही रहने वाला है। आपका पार्ट ए डिलीट कर दिया गया है, पार्ट बी में कोई भी आपको है वो 2 क्वेश्चन है वो हल करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 35 नंबर का होने वाला है। उसके बाद में आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड MGT स्टडीज फॉर ऑल UG क्लासेज के लिए पार्ट ए में आपको कोई भी दोस्तों 5 क्वेश्चन है वो करने हैं 10 में से, इच क्वेश्चन विल बी 5 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होगा। पार्ट बी आपके दोस्तों 5 यूनिटों में होती है, इच यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, और देर आर 10 क्वेश्चन इन टोटल, स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट एनी, यानी आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यूनिट की बाध्यता भी हटा दी गई है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 25 नंबर का होगा। और आपके दोस्तों मैं आपको बता दूं पार्ट सी है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। आगे आप PG क्लासेज के लिए देख सकते हैं वेयर एनुअल स्कीम अप्लीकेबल है, पार्ट ए में आपको कोई भी दोस्तों 5 क्वेश्चन करने हैं 10 में से, प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 5 नंबर का होगा। पार्ट बी में सेम टू सेम वही पैटर्न अपनाने वाला है, 3 क्वेश्चन करने हैं 10 में से, 25-25 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। पार्ट सी आपका है वो डिलीट कर दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों फैकल्टी ऑफ कॉमर्स यहाँ पे वेयर CBCS स्कीम इज अवेलेबल है उनके लिए भी दोस्तों पार्ट ए में से आपको कोई भी है वो 5 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी में है आपको 10 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, 15-15 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। पार्ट सी आपका डिलीट कर दिया गया है। सेमेस्टर सिस्टम की यदि दोस्तों बात करें तो सेम ही पैटर्न रहने वाला है, केवल जो मार्किंग है उसको लेकर के कुछ दोस्तों हैं वो ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों PG के अन्य क्लासेज के बारे में भी बताया गया है, MBA के बारे में बताया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं अंडर, अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है वो आ जाती है जो BSc के स्टूडेंट हैं उनके लिए अंडर ग्रेजुएट में BSc के बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, होम साइंस और जूलॉजी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं जो आपके वो 3 सेक्शन में पेपर आता है A, B और C में से, जो सेक्शन सी है आपका वो पूरी तरीके से है वो कैंसिल कर दिया गया है, और सेक्शन बी में है जो यूनिट सिस्टम की बाध्यता थी उसको भी हटा दिया गया है। सेक्शन ए में आपको कोई भी 10 में से है वो 5 क्वेश्चन हल करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है। सेक्शन बी में मैं आपको बता दूं आप कोई भी है वो 3 क्वेश्चन हल कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, चाहे 1 यूनिट से करे 2 यूनिट से करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 10 नंबर का होने वाला है, और जो आपका पेपर है वो 1.5 घंटे का होने वाला है। 2 पेपर आपके जो है वो पहले दिन होंगे, और उसके बाद में तीसरे दिन है वो आपका अगला पेपर होगा। प्रैक्टिकल है वो आपको मैं आपको बता दूँ आपके फाइल के आधार पर ही नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स और स्टेटिक्स की यदि हम बात करें तो उनमें दोस्तों सेक्शन सी को डिलीट कर दिया गया है। सेक्शन ए में आपको 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन हल करने हैं, 6-6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में भी आपको कोई भी दोस्तों 3 क्वेश्चन हल करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 15-15 नंबर का है वो होने वाला है। उसके बाद में दोस्तों ये आप देख सकते हैं BCA के बारे में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड इट हैज 8 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट एनी 4
ईच क्वेश्चन कैरीज 5 नंबर, यानी मैं आपको बता दूं जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए कंपलसरी है, लेकिन उसमें 8 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चंस के हैं वो आंसर करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। उसके बाद में आप कोई भी 2 क्वेश्चंस है वो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 30-30 नंबर का होगा। आगे आप देख सकते हैं एमएससी क्लास के सेमेस्टर स्कीम के विद्यार्थियों के लिए बताया गया है, जिनका जो क्वेश्चन पेपर है वो 70 नंबर का आता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ए बी और सी सेक्शन में डिवाइड होता है। सी सेक्शन को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है, यूनिट की बाध्यता खत्म कर दी गई है। सेक्शन ए में आपको 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। सेक्शन बी में है वो यूनिट सिस्टम खत्म हो चुकी है और कोई भी आपको 10 में से 3 क्वेश्चन हल करने होंगे। उसके बाद में ईएलई सिस्टम की यदि मैं बात करूँ तो सेम सिस्टम दोस्तों आपका है वो रहने वाला है, केवल जो मार्किंग है उसका थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है। तो यह आप देख सकते हैं हमने दोस्तों सभी कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा पैटर्न की है वो बात कर ली है। जेएनयू की राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों से भी परीक्षा पैटर्न को लेकर के कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।